सिद्धि स्वरूप पावन परमातीत अव्यक्त आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। वो जगह बड़ी ही शांत है। कौन सी जगह है ये? हम बाप बच्चों का अपना घर। अब यहाँ ही हमें जाना है। सबसे ऊंची मंजिल है ये। इस मंजिल तक जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत ही भटकाने वाले, अटकाने वाले नज़ारे हैं, भरमाने वाली बातें हैं, चीज़ें हैं। तो इन शत्रुओं से अपनी संभाल हमें करनी है। बाबा के साथ रहेंगे तो ये यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। इन बेहद की बातों को हमें बहुत ही ध्यान से समझना है और कंगाल से सिरताज बनना है। हम डायरेक्ट भगवान की पालना में पल रहे हैं, तो इस पालना का रिटर्न कैसे दें, क्या करें? जानने के लिए बाप की छत्र छाया में बैठ सुनेंगे 6 मार्च 2024 की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। वाणी से परे रहने के स्थान में, निर्वाण धाम में हमें जाना है, अपने घर जाना है। वो शांत जगह है, वहाँ पावन बनकर जाना है। पवित्र दुनिया है वो, शांति धाम और सुख धाम। तो पवित्र बनना है हमें। कैसे बनेंगे? जब बाबा को याद करेंगे। तो याद से पावन बन हमें शांति धाम, अपने घर, शांत जगह जाना है। अब हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर में बाबा कहते, आंखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। सबसे पहले आंखें ही कोई चीज देखती हैं तो फिर मन मचलता है, बुद्धि चलती है, भटकती है।
इसलिए बाबा कहते हैं आंखें बहुत धोखेबाज हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई के दृष्टि का अभ्यास करो। मैं भी आत्मा और जिसको देख रहे हैं वो भी आत्मा, ऐसा अभ्यास करना है। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो, भगवान का हुक्म है। मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो, खुद से बातें करो। बाबा ने जो बातें हमें कही हैं उसका मंथन करो, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। बाबा ने कहा कि ये काम महाशत्रु है, इससे खबरदार रहना है, और ये आंखें जो धोखा देती हैं इनकी बहुत संभाल करनी है। खुद को आत्मा समझो और सबको आत्मा देखो और परमात्मा बाप को याद करो। ये है ऊंची मंजिल पर पहुंचने की युक्ति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए, नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। देखो भक्ति में भगवान को कहते हैं ना सर्वशक्तिवान, इतना बड़ा मानते हैं और फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, बाबा का नाम रूप तो है लेकिन बाबा न्यारे तो हैं पुरानी दुनिया से, हमें भी न्यारा बनना है। बाबा तो इस दुनिया से ही न्यारे हैं, प्रैक्टिकल में न्यारे हैं। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है, जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं हैं, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। ये तो हम इतनी दूरी से देखते हैं तो वह ग्रह नक्षत्र सितारे वो तो इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन आत्मा तो सच में छोटी बिंदी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है, पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, जो हो रहा है वो पहले भी हुआ, वही पास्ट है और फिर वही फ्यूचर भी होगा। विघ्न हुआ, हंगामा हुआ, विरोध हुआ, तो ये सब कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं, कहाँ भी हंगामा नहीं होता, यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। पवित्रता की बात पर देखो कितना हंगामा होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ, वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। दादा लेखराज जी की शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष, बाबा की प्रवेशता हुई तो वो भी वानप्रस्थ अवस्था ही है ना, तो बाबा कहते हैं ये कायदा भी यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अर्थ क्या है कि वाणी से परे रहने के स्थान में हमें जाना है, तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। या तो याद से पवित्र बनो या फिर सजा खाके, या तो योग या भोग। अब दो चार तो नहीं, सभी जाएंगे। सारी पतित दुनिया को बदले होना है, इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और पावन भी जरूर बनना है, तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं, कलयुग में हैं अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं।
यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। क्यों हंगामा हो रहा है? बाबा को पता है इस पॉइंट को लेके, ऐसी नई बातों को सुनकर हंगामा तो होना ही है। न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते थे ना, अपने घर से पहले छुट्टी लेके आओ, तब यहाँ पे समर्पित होंगे, सबकी रजामंदी होगी, तब बाबा रखेंगे। नहीं तो पॉइंट पवित्रता का लेकर सब घरों में देखो कितना विरोध हुआ। तो बाबा कहते हैं जाओ चिट्ठी लेकर आओ, नई नई युक्तियाँ बाबा कहते थे निकालो पवित्र रहने की। लेकिन ये झगड़ा होना, विरोध, हंगामा, ये सब ड्रामा में नोंधा हुआ है। आश्चर्यवत, अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेते हो। समझते भी कि पवित्र रहना है, लेकिन फिर माया के चंगुल में फंस जाते। तो यह सब ड्रामा में नोंद है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। बाबा का बनने के बाद छोड़कर चले जाते हैं, बाबा कहते भावी है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। क्या क्या देखती हैं, धोखा देती हैं, बाबा से दूर करती हैं। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पढ़ते हैं। अब तो देखो प्राइमरी में, स्कूल्स में क्या क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे। विलायत की तो बात नहीं पूछो, हर जगह ही है ये हाल। विलायत क्या, भारत क्या, पूरी दुनिया ही एक जैसी हो रही है तमो प्रधान। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया है। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गंवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बाप की वसीयत मिली, पैसा मिला, प्रॉपर्टी मिली, और देखो कैसे गंवा देते हैं, उड़ा देते हैं। यहाँ भी बाबा मिला, ज्ञान दे रहे हैं, वर्ष ही है ना ये, और छोड़ देते हैं बाबा को तो की कमाई चट हो जाती है। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामानुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। माला माल थे और देखो कंगाल हो गए। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, याद दिला रहे बाबा या पूछ रहे हैं। बाबा तो जानते हैं हम वही हैं, कह रहे तुम मेरे वही बच्चे हो जो धनवान थे, मालामाल थे, संपत्तिवान थे, भाग्यवान थे, अभी कैसे बेहाल हो गए हैं, खुशहाल से बदहाल हो गए हैं। तो तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे, यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया वो गरड़िए की, और शेर की कहानी, वो बकरी चराता था, बोलता है शेर आ गया मेरी बकरी खा गया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया, तो गांव वाले माने नहीं जिस दिन शेर आ गया, क्योंकि वो रोज बोलता था और अचानक देखो शेर आ गया। तो तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है। बाबा कहते थे ना अगली दिवाली नहीं देखोगे, लेकिन कितनी दिवाली निकल गई कहते हैं, अब अचानक दिवाली किसकी आए किसकी न आए, कौन सा सेकंड आखिरी हो पता नहीं है ना। तो बाबा जब ये कहते थे अगली दिवाली नहीं देखोगे, माना जो संपूर्ण बन जाएंगे वो अगली दिवाली नहीं देखेंगे, जब अभी संपूर्ण बने ही नहीं हैं, तो फिर अभी तो शरीर में रह के पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है, अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। अब हम बने संपूर्ण चाहे न बने, अपने समय पर बाबा का काम तो पूरा हो गई ना, और बच्चे तैयार हो जाएंगे, तो हमें देखना है कि हम उस कार्य का
हिस्सा बने या नहीं बन रहे हैं, भगवान के मददगार बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो एक सेकंड, वो तो सबके जीवन में कब आ जाएगा पता ही नहीं है। विनाश जब होगा होगा, खुद का विनाश कब हो जाएगा, आत्मा शरीर कब छोड़ देगी पता है। तो बाबा कहते हैं एक दिन विनाश होना जरूर है, उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने, एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझें। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था पहले, पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था, हेवन सो हेल, वही स्वर्ग नर्क बन गया। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, इसमें सब पाठधारी हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाए, अब फिर हम वापस जाते हैं, पहले हम मालिक थे फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। कोई युगल है जो कोई एक पार्टनर चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है तो अत्याचार करते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर। बहुत अच्छे से ज्ञान सुने समझे, बाबा मिलन भी कर लिया, दूसरों को सुना भी दिया, लेकिन ऐसी माया आई जो साथ ही लेकर चली गई, भागंती हो गए, डुबंती हो गए। हाँ फिर क्या होगा, पछतावंती रोवंती आवंती, लेकिन फिर चिड़िया चुग गई खेत तो कुछ ना हो सकंती, फिर रोवंती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में जाते और ही बदतर बन जाते हैं, काम विकार में फंसे और गिरे, सब कमाई चट हो जाती है। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए, बनने का भी और बनाने का भी, है ना। शिवालय में रहने लायक बनना है और बाप के काम में मदद करनी है, शिवालय बनाने में पुरुषार्थ करना है। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है, अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाए, पढ़ाई चल न सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए, सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। बस अब यही लगन है, इसी में मगन हो जाओ बाबा की याद में, सुबह सुबह शांत वातावरण याद करके बाबा को विकर्म विनाश करो। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने, बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं, हंगामा तो होगा। देखो पिकेटिंग हुई, लाखा भवन को आग लगाया, कितना विरोध हुआ ना, तो हंगामा तो होगा। बाबा कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। दादा लेखराज जी ब्रह्मा बाबा देखो कितने साधारण रहे ना, सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पहरवाई से जो पहनते थे वही पहने, धोती कुर्ता, सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते पालन पोषण करते हैं वैसे यह भी करते हैं, कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। इसीलिए देखो कोई मानते नहीं कि इनमें भगवान आते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण, नए नए इतने कंस्ट्रक्शन हुए लेकिन बाबा अपने वही पुराने कमरे में उसी कुटिया में। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाप तो चुंबक है, कशिश होती है ना बाप को देखकर, आकर्षण होता है, देखो कैसे बच्चे खींचे चले आते, कैसे बाबा की गोद में समा जाते। तो बाबा कहते हैं बाप तो चुंबक है, कम है क्या,
बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। सब शिव शक्तियां हैं ना। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन न सके, फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं। जैसा नेचर फीचर देखो सबके अलग अलग हैं, जैसा पुरुषार्थ वैसा होता है, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। जैसे पहले थे 5000 साल पहले, वैसे ही फीचर्स होंगे अपने समय अनुसार, तो वही फीचर्स होंगे, इसमें फर्क हो नहीं सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं, विनाश तो जरूर होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती, आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलमिटीज भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी से बनाए, खत्म तो सब कुछ होगा। प्राकृतिक आपदाएं तो आनी आनी है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके। जापान में बनाते हैं ना, देखो कि बिल्डिंग हिले और फिर से खड़ी हो जाए। ऐसी टेक्निक से मकान बनाते हैं कि भूकंप आए लेकिन मकान को कुछ भी ना हो। परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर, यह कुछ भी रहेंगे नहीं। शिव भगवान उवाच है, कुछ भी नहीं रहेगा। देखते हैं ना वीडियोस कैसे ताश के पत्तों के तरह मकान जो है वो, बिल्डिंग्स जो है वो ढह जाती हैं, धूल धूसरित हो जाती हैं, मलबा बन जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पॉम्प कहा जाता है हर जगह अब तो। माया कहती है हम भी कम नहीं। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है, माया भी किसी से कम नहीं है। वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी। वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा माना मंजिल फ्लोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही फ्लोर में, क्योंकि जमीन इतनी है ना, सब कुछ फैला होगा, तो हाई बिल्डिंग्स नहीं होंगी, दूसरा तीसरा फ्लोर बनाने की जरूरत नहीं है। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन, बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करते हैं, औरों को बताते हैं, गाइड बन गए, मधु बनाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं, क्योंकि आते हैं चले जाते हैं, टिकते कितने हैं ये डिपेंड करता है ना, कि इस मार्ग पर चलते तो बहुत हैं, कुछ आधे रास्ते, फिर कुछ और उससे थोड़ा चले, फिर छोड़ के चले गए। अब मंजिल तक कौन पहुंचते हैं वो बाबा देखेंगे, कि इतने तो अभी आए हैं पार्टी में, पता नहीं अगली बार तक रहेंगे नहीं रहेंगे, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं, यह सब ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। कहाँ चले जाते हैं सब, लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते, यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे, शूट एट साइट। कुछ भी देखो, कुछ इमरजेंसी रहती है, कोई हंगामा होता है, कहते हैं ना घर से नहीं निकलो नहीं तो शूट कर देंगे, कर्फ्यू लग जाता है।
बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे। विकार में गए माना खलास, शूट हो गए। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। कैसे रासायनिक बॉम्ब है देखो। यह सब ड्रामा में नोंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है, वहां क्लेश आदि होता ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है सतयुग में। हाँ, खुद के तंत्र पर कंट्रोल है, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है, आत्माभिमानी स्थिति है। और यहाँ क्या है? परतंत्रता, क्योंकि परमात्मा को भूल गए ना। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहां काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा? पाप ही नहीं करेंगे तो फिर सजा कैसे भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो रावण नहीं है तो काल नहीं है, मृत्यु नहीं है, खुशी से चोला बदलते हैं, अकाले मौत नहीं है। यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामा अनुसार कल्प का तीन हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। जो विद्वान पंडित होते हैं देखो कितनी अथॉरिटी से अपनी बातें सुनाते हैं। तो बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। और बाबा तो देखो ज्ञान का सागर है। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ चुल्लू पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। चुल्लू पानी, हाथ में बस थोड़ा सा पानी आ जाए जितना, तो उसको भी अपने ऊपर छिड़कते हैं ना। देखो होली वाटर कहते हैं, तो अपने ऊपर डालेंगे, सोचेंगे शुद्ध हो गए, स्नान हो गया। तो थोड़ी सी ज्ञान की बूंदे डाल लो, ज्ञान स्नान कर लो, विचार शुद्ध हो जाएंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। कहीं भी पानी देखा बस डुबकी मार लिए, खुद पर छिड़क लिए, सोचे हम पवित्र हो गए, पाप धुल गए। ये क्या है? तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। क्या है सतो प्रधान निश्चय? सत बाप के संग रहना, सत बाप से सत्य ज्ञान सुनना, ज्ञान स्वरूप बनना, बाबा से योग युक्त रहना, धारणा स्वरूप बनना, ज्ञान स्नान करके पवित्र बनना, ये है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। कोई भी डर से कहीं गंगा स्नान नहीं करना है। डरने की क्या बात है? जो कर्म किया है उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा कर्म तो पुण्य, बुरा कर्म पाप, तो सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय, उनका है तमो प्रधान निश्चय। डरने की बात ही नहीं। अंधश्रद्धा, डर, ये सबसे देखो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाबा आकर हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं। और हमें निश्चय बुद्धि बनना है तो ही हमारी विजय है। और निश्चय बुद्धि ही निश्चिंत, निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है।
बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरा, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं, किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। किसी प्यासे की प्यास बुझाना महान पुण्य है। लोग प्याऊ खोलते हैं ना, तो ये पुण्य का काम है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। तो ज्ञान अमृत का प्याऊ खोलना है। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। जल तो जीवन है ना, तो ज्ञानामृत तो जीवन है। इसके बिना आत्माएं देखो अशांत है, तड़प रही हैं, दुख है। तो बाबा कहते हैं ये भी जरूरी है। जैसे भोजन जरूरी है, जल जरूरी है, वैसे ज्ञानामृत भी जरूरी है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। तो सबको ज्ञानामृत पिलाना है, ये चांस लेना है, सबको बाप का पैगाम देना है, समय निकालना है, रूहानी सेवा करनी है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। जो हुआ हो गया, बाबा कहते हैं अब हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा मदद करेंगे। एक कदम हिम्मत का हमारा और पदम गुना मदद बाप की। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट पहला, वानप्रस्थ अवस्था है। हम सभी को अब वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है। दूसरा, आंखों की बहुत बहुत संभाल करनी है, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए संभालो। तीसरा, सतो प्रधान निश्चय, ज्ञानामृत, ज्ञानामृत, ज्ञान स्नान करेंगे तो ही पावन बनेंगे, ये है सतो प्रधान निश्चय। चौथा, ज्ञानामृत प्याऊ खोलना है, ज्ञानामृत पीना और पिलाना है। और पांचवा, बेटी को बिंदी लगाकर हिम्मत का कदम बढ़ाना है, बाबा से मदद प्राप्त करनी है। ओम शांति। तेरा मुल्क, तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क, तेरा
मंदिर है।